प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की है और ये मन की बात का 105वां एपिसोड है। उन्होंने अपनी मन की बात में चंद्रयान का जिक्र किया है। उन्होंने लोगों से चंद्रयान से जुड़ी क्विज में हिस्सा लेने का भी आह्वान किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को देखा सुना है। अपने भाषण की शुरुआत पीएम मोदी ने की है और उन्होंने कहा कि इन दिनों दो विषयों में मुझे बहुत पत्र मिले हैं, पहला चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। उन्होंने कहा कि जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला ही था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों से इस घटना को पल पल देख रहे थे और इसके साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube चैनल पर तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसे लाइव देखा है। आपने ये रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 ब्लॉक का पूर्ण सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा सैकड़ों वर्षों के लिए विश्व व्यापार का आधार बनेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों नमस्कार। मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को, देशवासियों की सफलता को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है। इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो दो विषयों पर बहुत अधिक है। पहला विषय है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन। देश के हर हिस्से से, समाज के हर वर्ग से, हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं। जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है, प्रश्न स्पर्धा, और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान 3 महाक्विज। माई गॉव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। माई गॉव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है।